हेलो फ्रेंड, आपका करते हैं हम स्वागत आपकी नई वीडियो में। और चलिए अपने वीडियो स्टार्ट करते हैं। और अभी के बज रहे हैं कि 2 बज रहे हैं करीब, और कहते हैं कि अभी दोपहर का टाइम है। और कहते हैं कि जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, आज मंगलवार है, तभी हम वीडियो शूट करते हैं ज़्यादातर। और आज का दिन बहुत ही ज़्यादा अच्छा होने वाला है, क्योंकि आज अपना दिन स्टार्ट कर चुके थे सुबह हम भोलेनाथ के नाम से। वो गिर गया मैं, लग गया। और दूसरी चीज़ कहते हैं कि अभी हम लोग थेरेपी करा के लौट के आए 12 बजे करीब। उसके बाद फिर हम लोग अभी एक्सरसाइज करवा रहे थे अब तक ही। उसके बाद आज अंकिता काफ़ी दूर तक चली हैं अपने अपने पैरों पे। और कहते दूसरी चीज़ अभी हम लोग कहते हैं कि अभी हम जा रहे हैं भोलेनाथ के दर्शन करने। और अभी हम बस निकल रहे थे घर के लिए, सॉरी घर के लिए नहीं, मंदिर के लिए। तो अभी हम लोग रेडी हो गए हैं, अंकिता तो जाएंगे नहीं, अंकिता रहेंगी घर पे और पापा भी घर पे रहेंगे। पापा से बोला तो पापा कहें बेटा धूप बहुत हो रही इसलिए मैं नहीं जाऊँगा। मैंने कहा ठीक है, मैं होके आता हूँ। तो अभी मैं जा रहा हूँ और अंकिता इधर बैठी हैं अपना, और कहते हैं कि अभी वो खाना ना खा चुकी हैं, आराम कर चुकी हैं। तो अभी आएंगे लौट के, अंकिता की एक्सरसाइज कराएंगे। और एक दो इम्पोर्टेंट काम है जो कि बहुत ही हफ्तों से टल रहे हैं, और तो उनको भी पूरा करेंगे, क्योंकि ना वो काफ़ी टाइम हो गया कि ज़रूरी है उनको कंप्लीट करना, कि ना वरना मैं टकला हो जाऊँगा, बाल मेरे बहुत हल्के हो गए। इसके लिए ना ऑयल वगैरह बनानी है, और कहते कि और बनाएंगे आज बहुत सारे डिशेज, एक एक डिश बनाएंगे ज़रूर जो कि काफ़ी दिनों से कह रहे थे हम, मैगी। चले बने रहिए वीडियो में। और अभी हम लोग कहते हैं कि भौरव सुरंग के रास्ते में हैं, आज हम लोग दूसरे तरफ से जा रहे हैं। ओ माय गॉड, ये भैंस आ गए हमारे लोगों के सामने, हम लोग बच गए। और अभी हम लोग पहुंचने वाले हैं, अभी हम लोग जा रहे हैं, बिल्कुल मस्ती में जा रहे हैं। और कोई भी बिल्कुल खाली रोड है, कोई भी नहीं है, बस एक ये भैया जा रहे हैं जो आटा चक्की लेके जा रहे हैं। आटा चक्की नहीं, धान चक्की जिसे बोलते हैं, जिसमें कि धान वगैरह निकाले जाते हैं, धान से चावल निकाल दिए जाते हैं फटाफट। और कहते हैं इससे बहुत ही अच्छी सुविधा हो गई लोगों के प्रति, क्योंकि अभी सब लोग कहते हैं कि जाना नहीं पड़ता लेके, और सब लोग गांव में ही निकलवा लेते हैं चावल वगैरह। और ये रही पावन धरती पे हम लोग को स्वागत है, भौरव सुरंग के भोलेनाथ के दर्शन होंगे। और ये है जो त्रिपाल आपको दिख रहा होंगे नीले कलर की पन्निया, वो भोलेनाथ में जो कि सब लोग दुकान, जय हर हर महादेव। और अब हम लोग पहुंच गए हैं भौरव सुरंग के मेले में। और ये देखिए आप देखिए, तो पहले हमारे वहाँ क्या थे, यहाँ पे नाव जो नदी में चल रही थी पहले बांस से चलाते थे जो नाविक होते थे, है ना। और कहते हैं अभी देखो ना ये सब इसमें इंजन वगैरह सेट करवा के रखा हुआ इन लोगों ने, तो अभी डायरेक्ट चल रहे पेट्रोल से, झमाझम बिल्कुल मस्ती में भोलेनाथ की कश्ती में, बिल्कुल भोलेनाथ की बस्ती में। ये रहे भोलेनाथ मंदिर हमारे, और अब हम लोग कहते हैं कि दर्शन करेंगे भोले महादेव के, महादेव के भव्य दर्शन आपको प्राप्त हुए महादेव। ये देखिए, ये आपको जो स्टील के जो आपको दिख रहे होंगे नाली टाइप के, इसमें क्या होता है जब भावुक श्रद्धालु लोग बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो इसमें बाहर से सब लोग जल चढ़ा देते हैं, जो कि भोलेनाथ के ऊपर आके विराजित हो जाए। आज देखिए, आज पहले तो क्या था भीड़ नहीं थी, लेकिन अभी देखिए ना आज भीड़ काफ़ी ज़्यादा है भौरव सुरंग में, सभी लोग कथा सुन रहे हैं। और ये देखिए भव्य मंदिर स्टार्ट हो गया दिखाना आपको, ये देखिए कितना भव्य मंदिर है कि आप पहचान नहीं सकते। इसमें कहते हैं कि 5 पांडव आके यहाँ पे रहे थे कुछ टाइम के लिए, तो इसीलिए इसकी मान्यता इसीलिए पौराणिक मानी जाती है और कहते धार्मिक भी। और यहाँ पे हमें नहीं लगता कि कोई भी ऐसी प्रतिमा तमिलनाडु में आदित्य योगी शिवा टेम्पल की है, और कहते ऐसी कॉपी करके हमारे उत्तर प्रदेश में बनाई जा रही लखनऊ में, जो कि हमारे घर से मुश्किल से 5-8 किलोमीटर होगा। और कहते कि हमें लग रहा है कि ऐसी प्रतिमा देखी मैंने, तो आपको मैंने कहा रिकॉर्ड करके आपको वीडियो में दिखानी चाहिए, तो आप भी दर्शन करिए शिवा के। हेलो फ्रेंड, हम लोग अभी मंदिर से घर आ गए थे, तो मंदिर के आने के बाद उसके बाद हम लोग अभी घर पहुंचे थे, पानी वानी पी के बैठे हुए थे, तो मम्मी और अंकिता लोग चाय पी रही थी, तो अभी हमने भी पी ली थोड़ी सी चाय। उसके बाद अभी हम लोग जा रहे हैं, एक ऑयल बनाएंगे जो कि हेयर में लगाने के लिए, और दूसरी मैगी बनाएंगे। अभी पार्टी करेंगे सभी लोग और खाएंगे सब लोग अच्छे से, और बिल्कुल ही अच्छा नहीं लग रहा है मुझे आज, थोड़ा सा क्यों सोने को नहीं मिला आज बड़ा, तो बस हमें लग रहा है अंकिता को फिर एक्सरसाइज कराएंगे फटाफट। और कहते हैं उसके बाद एक्सरसाइज कराने के बाद हम लोग आराम करेंगे सोएंगे, जिसमें कि हम लोग पहले आरएस का ऑलिव ऑयल लेंगे, और कहते हैं कि जो कि 200 ग्राम का हम मंगाए थे
और इसमें कटा हुआ प्याज डालेंगे डेढ़, और इसमें मेथी डालेंगे 1.5 चम्मच, और प्याज 1.5 डालेंगे, और कहते हैं इसमें करी पत्ता, ऑलिव ऑयल, और जब तक कहते हैं ये काला नहीं पड़ जाता है, बिल्कुल धीमी आंच में पकाना है आपको, धीमे धीमे, ताकि इसका जो मतलब इसका जो इसके जो तत्व होते हैं वो ऑयल में छूट जाएं और कहते अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए, और उसको ठंडा करने के लिए सुबह तक रख दें। अभी हम लोगों को आ गया है खाना, जो कि पूरी थाली लग के आ चुकी है, और जिसमें कि ये है दाल छौंकी बढ़िया, और ये चावल और रोटी प्याज एंड ये दही, जिसमें कि अभी हम खा के एंजॉय करेंगे। चलिए अभी हम लोग खाना खाना स्टार्ट करते हैं, और खाना खाते खाते बिल्कुल मस्त आपको बताते हैं कैसा टेस्ट लग रहा है। अभी हमने खाना पहला बाइट खाया, और कहते हैं कि प्याज साथ में उसका क्या मस्त बिल्कुल लग रहा है, बिल्कुल यम्मी टेस्ट है, और कहते हैं कि अभी बहुत ही तेज़ हो गया खाना खाना, क्योंकि मस्त भूख बहुत तेज़ लगी है, और बिल्कुल मस्त बिल्कुल तगड़ा वाला हमने अब दही डाल के खाने जा रहे हैं, देखने कैसा लगता है। और एक चीज़ और बताएं, खाने का जो घर का खाना होता है उसका मज़ा ही कुछ और है, और बिल्कुल मस्त बिल्कुल आ रहा है मज़ा, और कहते हैं कि ये दही के साथ में तो बिल्कुल अल्टीमेट हो जाता है खाना, जो भी खाओ, और बिल्कुल आपको भी खाना, आइए आइए लीजिए प्याज खाइए, आइए आइए, और बिल्कुल मस्त बिल्कुल खाना है एक नंबर। और अभी रोटी खाते, और रोटी खाना में, खाना में जब रोटी रहती है और दही रहते हैं ना, तो उसका मज़ा ही कुछ और हो जाता है, और बिल्कुल मस्त। और चलिए खाना खा के आपको मिलते हैं थोड़ी देर में आगे, अभी बिल्कुल। और इधर हम खाना खा रहे हैं, मम्मी लोग उधर बातें कर रही हैं बैठ के, आ जाओ आ जाओ, आप भी आ जाओ, आप भी आ जाओ भाई, आप भी खा लोगे, खाना खाओगे, आ जाओ प्लीज़ कम यार, थोड़ा सा खा लो थोड़ा सा, आ जाओ प्लीज़, 1 मिनट टाइम दीजिए, मैं आता हूँ अभी खाना खा के मिलता हूँ, ठीक है। और अम्मा लोग उधर बातें कर रही हैं खूब सारी, वो लोग अपनी गपशप कर रही हैं, सब्जी काट रही हैं। ये देखिए अभी हमारी अम्मा अभी खाना बना के कल के लिए तैयारी कर ली है, अभी देखिए अभी इधर ये क्या बोलते हैं सब्जियों का राजा करेला कट चुका है, उधर करेला एक पक चुका है, और इधर प्याज कट चुका है, और उधर पापा का फोन भी रखा हुआ है। अभी मम्मी ये रही, मम्मी पता नहीं क्या शांति से हम लोग बहुत देख रहे हैं, और सॉरी 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 मम्मी माफ़ कर दीजिए मुझे, आपका नाम हमने ले लिया है, शांति नाम है मेरी मम्मी का, सॉरी सॉरी गाइस। और जो मम्मी कुछ कहना चाह रही, लेकिन जैसे कैमरा बंद होगा वैसे कुछ ना कुछ बोलेंगी, अभी तो कुछ नहीं बोलेंगे ना, हमें पता है कि जान है कि वीडियो बंद नहीं है, इसलिए कुछ नहीं बोलेंगी, जैसे ही बंद होगा वैसे ही कुछ ना कुछ बोलेंगी। और अभी हम लोग खाना खा चुके हैं, अभी हम खाना खा चुके हैं, अभी मम्मी खाना खाएंगी, तो उसके बाद इसी तरह वीडियो आप पूरी देखिएगा, एंजॉय करिए, और प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, और बोल दो कि भैया हमारे सपोर्ट करो, भैया सपोर्ट थोड़ा तेज बोलो, तेज भैया का हमारा सपोर्ट करो, सपोर्ट करो, ठीक है गाइस। अब तो अम्मा ने बोल दिया, अब तो करना ही पड़ेगा, नहीं किए ना सोच लेना, वो कौन सी वीडियो आती है, अगर तुम अपने मम्मी पापा से प्यार करते हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करो गाइस। गुड नाइट, आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।